करते बच्चों का वीडियो वायरल। अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा के हाल बेहाल है। वहां के बेहाल गांव के बच्चों ने कीचड़ से भरी सड़क पर खड़े होकर बच्चों के मामा कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सड़क की मांग की है। मुख्यमंत्री को संदेश देने के लिए बच्चों ने सांकेतिक रूप से स्कूल की ड्रेस पहनकर सड़क का हाल बताया है। इस गांव में कभी सड़क बनी ही नहीं, एक मिट्टी का रास्ता है जहां से लोग आवागमन करते आए हैं। बच्चों ने कहा कि उनके गांव में कक्षा पांचवी तक ही स्कूल है, आगे पढ़ाई करने के लिए उन्हें पास के गांव खैरा जाना पड़ता है। रास्ते में नदी भी पड़ती है जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बच्चों ने मुख्यमंत्री के नाम संदेश पढ़ते समय यह भी कहा कि सड़क के लिए प्रधानमंत्री और मामा शिवराज को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन सड़क नहीं बनी। बच्चों ने आखिरी में एक्टर सोनू सूद का नाम भी लिया है और उन्हें भी मामा कहकर संबोधित किया है। बच्चों ने कहा कि शिवराज मामा नहीं सुन रहे हैं तो सोनू सूद मामा उनसे सड़क के लिए कहें। बच्चों का यह अनोखा प्रदर्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसे संवेदनशील लोगों को समर्थन मिल रहा है। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में किस तरह से बच्चों ने अपनी मांगे बताई है। मामा जी प्रणाम। हम सब छोटे छोटे बच्चे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ब्लॉक पड़िया के पड़िया पंचायत के बिलहा गांव में रहते हैं। मेरा गांव पांचवी तक स्कूल है, आगे की पढ़ाई के लिए 1000 से अधिक बच्चे को पास के गांव खैरा जाना पड़ता है। पर मेरे गांव में से खैरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है वह मिट्टी की बनी है, उसमें घुटनों तक दलदल है और एक नदी भी है। हम लोग रोज दलदल में गिर जाते हैं, कपड़े किताबें सब खराब हो जाती हैं और नदी में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके ऑफिस के में लिखा गया है शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी।